फिर आते कोई दिक्कत नहीं। समय की पुकार। अरे कल मैंने किसी को बदलाव की बात करते हुए सुना, क्या तुम्हें पता है क्या है बदलाव? बदलाव कैसा? बदलाव किस बात का? बदलाव जिसके बारे में बात कर रहे हैं। और क्या जरूरत है बदलाव की? अरे मुझे क्या मालूम कैसा बदलाव। चलो देखते हैं और जानते हैं कि क्या है बदलाव। स्वागत है आपका सबसे युवा देश में जिसका नाम है भारत। स्वागत है आपका भारत नाम के देश में जहाँ हर परिवार में ऐसा सदस्य होता है जो लड़कियों से कहते हैं कॉम्प्रोमाइज करे। स्वागत है आपका भारत माता के देश में जहाँ औरतों को देवी माना जाता है और गालियों में भी उन्हें याद किया जाता है। स्वागत है आपका भारत माता के ऐसे देश में जहाँ दीवारों पे लिखा होता है दीवारों पे लिखना मना है। मेरा नाम है डॉक्टर फेरीना 2.0। मेरा मकसद इस पूरे समाज का सर्वनाश है। मेरे सामने कमजोर लाचार है पूरा समाज। चलिए आपको इस समाज की कुछ बीमारियों से मिलवाता हूँ। सन 2006 में मुंबई के ताज होटल पर अटैक करने वाले लोगों में से एक 15 साल का मासूम बच्चा कसाब भी था। अरे हाँ भाई, मान लिया बच्चा गुनहगार था, इसका मतलब ये तो नहीं हर मासूम देखने वाला गुनहगार जाएगा। बलात्कार जैसे कड़े अपराधों की सजा क्या हो सकती है? इन नीच अपराधियों को सुधारने की दवा क्या हो सकती है? लुटेरे हैं उनका राजा तो अपमान सबका है, लुटी एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर तुम बातें मदद की, लड़ो इन करिंदों से ये हिंदुस्तान हमारा है, ये बेटियां हमारी है। जैसा कि आपने देखा कि हमारा समाज इतना नीचे गिर चुका है कि पिछले वर्ष 3741 रेप केस के मामले सामने आए, जिनमें से 295 मामलों में पीड़िताओं की उम्र 18 साल से भी कम थी। पापा पापा मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे विदेश जाना है। हाँ ठीक है बेटा, पर लगाकर पढ़ाई करना और मेरा नाम रोशन करना। पापा पापा मुझे भी विदेश जाना है और पढ़ाई करनी है। अरे बेटा तू विदेश जाकर क्या करेगी? लाखों का खर्चा आएगा। आएगा वापस आएगी तब तेरा रिश्ता तय हो जाएगा। हो जाएगा। तेरे दहेज में लाखों का खर्चा आएगा। आएगा। तुझे शादी कर रही है तो पढ़ाई लिखाई कर कर क्या करेगी? क्या करेगी? तेरी शादी करवा देते हैं। करवा देते हैं। ठीक हो? नहीं नहीं, मैं राउंड ये से घुमाता हूँ, इस तरह से देखता हूँ। मुझे ससुराल वालों ने बाहर निकाल दिया। अरे तूने ऐसा क्या कर दिया? अरे जरूर इसका किसी से चक्कर होगा इसलिए घर से निकाल दिया होगा। अरे इसे कोई रोग होगा इसीलिए निकाल दिया होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ है पापा, वो लोग रोज मुझे मारते थे, दहेज ना देने की वजह से मुझे जलाने की धमकी देते थे। मैं अब वापस वहाँ नहीं जाऊँगी। क्या लोग क्या कहेंगे? सारा गांव क्या कहेगा? ये सारा समाज क्या कहेगा? आखिर कब तक हम समाज की सुनते रहेंगे? हर औरत की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब हर औरत की जिंदगी जीने के लिए समाज में इजाजत लेनी पड़ती है। सारी उम्र मर मर के जीने एक पल को अब हमें जीने दो, जीने दो। हाँ बेटा ठीक कह रही है, काश मैंने तेरी बात पहले मान ली होती तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता।
भारतीय कानून के अनुसार भारत में दहेज देना व दहेज देना दोनों कानून अपराध है, लेकिन फिर भी 97% शादियों में दहेज लिया व दिया जाता है। एनसीआर की गणना के अनुसार गत वर्ष अब तक 2700 मामले दर्ज हो चुके हैं। खुलेआम लेना दहेज ये चलन हुआ व्यापारों सा, अब विवाह का पावन मंडप लगता है बाजारों सा। पैसा न कमा सके तो आपका हाथ फैला दिया, ऐसे ही कुछ लोगों ने दूल्हे को बिकाऊ बना दिया। हमें इस समाज के बदलाव की जरूरत नहीं। 1997 में
एलजीबीटी कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए हमारे देश में कई सारी योजनाएं और हेल्पलाइन सेंटर बनाए गए जैसे संगनी और हमराज, लेकिन हमारे देश में इन्हें सपोर्ट नहीं किया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे देश के लोग एलजीबीटी कम्युनिटी को सपोर्ट करने से भी डरते हैं। कारवा के रिसर्च के अनुसार जब भारत वेदों के युग में था तब होमोसेक्सुअलिटी को थर्ड नेचर के नाम से जाना जाता था, और जब हमारे वेदों में ही इसे नेचर कहा गया है तो हम इसे बीमारी क्यों समझते हैं और इसका इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं? अगर प्यार करना पाप नहीं तो समाज लोगों का प्यार पाप कैसे? कोई बताए मुझे इस समाज का ये इंसाफ कैसे? इस समाज का ये इंसाफ कैसे? कतरा करके हम बदलाव की लहर लाएंगे।